everyone, welcome to Artistic. Today I'll be doing a canvas painting on a mini canvas using seashells. आप में से कौन कौन seashells collect करना पसंद करते हो जल्दी से comments में बता दो. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना. Those of you who have already subscribed to my channel, please आप notification bell को press कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई video upload करूँ आपको direct notification मिल जाएगा. Let's start the video without any further delay. I bought this canvas for ₹30, जो काफी reasonable है. I'm using a craft knife to open this. और इसे खोलते ही आप देख सकते हो कितना रफ टेक्सचर है कैनवस का और बीच बीच में ब्लैक मार्क्स है कैनवस के ऊपर. इसीलिए आई एम यूजिंग जेसो. जेसो अप्लाई करने से टेक्सचर बहुत स्मूथ हो जाता है. नाउ वंस द जेसो कोट इज ड्राई आई विल बी एडिंग एक्रिलिक पेंट्स टू स्टार्ट द पेंटिंग. मैं यहाँ स्मॉल राउंड टिप ब्रश की यूज कर रही हूँ. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द बिजी कलर. मैं यहाँ पे सैंड का कलर अप्लाई कर रही हूँ. बीच में थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड कर दिया ताकि और भी रियलिस्टिक लगे सैंड का टेक्सचर. सैंड का जो एक रफ टेक्सचर होता है वही मैं व्हाइट एक्रिलिक पेंट को यूज करके वो रफ टेक्सचर दे रही हूँ. नाउ हियर कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट. जब भी मैं कोई बीच पे जाती हूँ वहां से सीशेल्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती हूँ. फ्यू इयर्स बैक आई वेंट टू अंडमान एंड वहीं से मैं ये सब कलेक्ट किया. आप ग्लू की हेल्प से सी शेल को डायरेक्टली कैनवस के ऊपर चिपका सकते हो. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. नाउ आई बी एडिंग शेड्स ऑफ ब्लू कलर. दिस इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सो यहाँ कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करना है. आप कुछ भी रैंडम चीजें बना सकते हो. वंस दैट इज डन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग दिस गोल्ड एक्रेलिक कलर विच इज वेरी ब्यूटिफुल. सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आई विल बी एडिंग दिस गोल्ड कलर ओवर द ब्लू कलर over the seashells, जो काफी अच्छा लग रहा है. पेंटिंग खत्म होने के बाद I'll start applying a coat of varnish to keep it safe and dust free. I'm in love with this piece क्योंकि ये करने में मुझे बहुत मजा आया. And do let me know ये आपको कैसे लगी. And अगर अच्छी लगी तो do hit the like button, share this video and please do subscribe to my channel. Stay tuned for my next videos. Till then, keep drawing and keep exploring.